हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे बायो सेवर्ट लाइट की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बायो सेवर्ट लॉ को समझने से पहले हम समझते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को। ऑस्टर्ड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ऑस्टर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था? तो फ्रेंड्स, ऑस्टर्ड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया, जब किसी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग्स एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या कहा? जब किसी कंडक्टर में करंट को हम फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग्स एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से प्रूव भी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर लिया। मान लो कोई एक वायर ए बी है, ये कोई वायर ए बी है, और इस वायर को एक कुंजी के द्वारा बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। और इस वायर के पैरेलल पोजीशन में एक मैग्नेटिक नीडल को रखा। ठीक है, साउथ और नॉर्थ, ये कुंजी अभी ऑफ है। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और वायर को कुंजी के माध्यम से एक बैटरी के पोल से जोड़ दिया, और इस वायर के परपेंडिकुलर पोजीशन में एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। जब इन्होंने कुंजी को दबाया, तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी, ये मैग्नेटिक निडल हमारी डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक निडल हमारी क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। अगली बार उन्होंने क्या किया, इस बैटरी के जो पोल्स हैं, इनके ध्रुवों को आपस में बदला इस प्रकार से। अब की बार इसे माइनस किया, इसे प्लस किया, और अब की बार इन्होंने देखा, ये अब अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस था, ये प्लस था, और जब इससे करंट बहा और इसको जब इन्होंने ऑन किया, तो देखा जो मैग्नेटिक निडल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। पहले ये जो मैग्नेटिक निडल थी तो इस डायरेक्शन में विक्षेपित हुई थी, और जब बैटरी के सिरों को आपस में जब बदल दिया, तब देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने कहा कि जो कोई करंट है, ये जो वायर है, जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तभी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो किसी वायर में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कोई धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, यह बात किसने कही? ऑस्टर्ड ने कही। तो आइंस्टाइन ने बताया, जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे, बायो सेवर्ट,
इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने एक फार्मूला डिफाइन किया, जिसे हम बायो सेवर्ट ला क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट ला कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायर लिया, ये इन्होंने कोई एक वायर लिया, मान लो ये एक्स वाई कोई वायर है और इसका कोई स्मॉल एलिमेंट लिया ए बी। ए बी उन्होंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, मान लो इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। इस वायर स्मॉल वायर की लेंथ कितनी है, डेल्टा एल है, ठीक है। इस स्मॉल लेंथ का जो वायर लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट के बिंदु ओ से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, जिस पर हमें सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी को ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें माना आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, जब आई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो जो स्मॉल एलिमेंट ए बी है जिसकी लेंथ डेल्टा एल है, के बिंदु ओ से थीटा डिग्री के कोण पर आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, जिस पर स्मॉल ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, ये जो डेल्टा बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई पासिंग थ्रू द कंडक्टर, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। दूसरी बात, और ये किस पर डिपेंड है, दूसरा किस पर डिपेंड होता है, ये जो डेल्टा बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी डेल्टा एल, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, यही तो दूसरी इक्वेशन। तीसरा किस पर डिपेंड करता है, ये जो डेल्टा बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इक्वेशन थ्री, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का है, डीएल ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है और ये आर, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। चौथा, और डीएल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट, फ्रॉम करंट एलिमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट, यानी जो डेल्टा बी है ये जो स्मॉल जो ये एलिमेंट है
करंट एलिमेंट से और पी के बीच की जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, अब यदि हम इन चारों इक्वेशंस को जोड़ें, यहाँ पे लिख दें डिस्टेंस, आप पॉइंट ये मिटा रहे हैं, आप द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट, यहाँ पे देखते हैं। अब यदि हम इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल द इक्वेशंस, इन सारी इक्वेशंस को जोड़ें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को जोड़ें, तो हमारा डेल्टा बी क्या बन रहा है? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही तो। ठीक है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, तो डेल्टा बी हटता है तो ये आता है म्यू नॉट अपान 4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही क्या है, ये बायो सेवर्ट का नियम है, इसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, म्यू नॉट अपान 4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जहां फार्मूला हमारा निकला, फार्मूले को फिर से लिख लेते हैं। डेल्टा बी क्या निकला है? म्यू नॉट अपान 4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। हेयर म्यू नॉट अपान 4π क्या है? हेयर म्यू नॉट अपान 4π इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपान 4π की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 10⁻⁷। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपान 4π ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ के बराबर होता है। ठीक है, म्यू नॉट है क्या? यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात की चुंबकशीलता है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू नॉट। ठीक है, यदि बात करें हम म्यू नॉट के यूनिट की, ठीक है, यूनिट की यदि हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये कहाँ से आती है, जानकारी के लिए जान लीजिए ये कहाँ से आती है। देखो, अभी हम आगे एक फार्मूला डिफाइन करेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, किसी करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स, किसी वायर पर लगने वाले फोर्स का फार्मूला हम देखेंगे। तो F इज इक्वल टू होता है FIBL साइन थीटा, ये हम आगे रीड करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, यहाँ से यदि हम B की यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा की तो होती नहीं, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर ही तो हो जाएगी। B इज इक्वल टू F अपान IBL, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ही तो हो जाएगी। तो ये B की क्या है, B की क्या है? ये यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के अन्य सारे भी मात्रक हैं, वो हम आगे रीड करेंगे, जैसे बेबर पर मीटर स्क्वायर है, टेक्सला है, गॉस है, गॉस जो है CGS पद्धति का मात्रक है। तो बेबर पर मीटर स्क्वायर, टेक्सला, गॉस, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे।
फिलहाल बी का जो मात्रक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक है, न्यूटन पर एम्पियर एम्पियर मीटर आया। यदि ये हम मान यहाँ पे रख दें, ये यूनिट जो है हम यहाँ पे रख दें, तो हमारी म्यू नॉट की यूनिट निकलेगी। देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, रख देते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, म्यू नॉट अपन 4 पाई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है आई, आई की एम्पियर, डेल्टा एल मीटर, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं, आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ये मीटर से एक मीटर कटा, ये मीटर से ये मीटर गया, और 4 पाई तो छोड़ ही देते, तो म्यू नॉट की जो यूनिट आती है तो कितनी आ जाएगी, इसको भी हटा देते हैं, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी यूनिट आ गई। ओके, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर म्यू नॉट की यूनिट हुई। बात करें यदि इसके हम डायमेंशनल फार्मूला की, डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, म्यू नॉट की यूनिट हमने अभी देखी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, न्यूटन का एम एल टी माइनस टू, इसकी क्या हो जाएगा ए टू, एम्पियर का ए टू, सही क्रम में कर ले तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, तो इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और यूनिट इसकी हो गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यही है बायो सेवर्ट का लॉ, बायो सेवर्ट का नियम, जो हमारे बहुत काम का है, इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे हम याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। टाइम कितना हुआ है, टाइम चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसमें आपको भी देखने में दिक्कत ना हो और हमको भी, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।